नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे आने से उसके आए बाहर। तो इस गाने को सीखेंगे आज के जुड़ में, और इस गाने को हम सीखना शुरुआत करेंगे इस गाने के स्टार्टिंग म्यूजिक लाइन से लेकर इस गाने हम लास्ट म्यूजिक लाइन तक हम लोग एकदम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो अगर आप लोग इस गाने को एकदम इजी तरीके से सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए आप सीखते हैं इस गाने के लाइनिंग को। तो इस गाने की जो पहला लाइनिंग शुरुआत करना है, आपको एफ शार्प की से शुरुआत करना है और रुकना है एफ शार्प की के ऊपर। तो पहला लाइनिंग को देखिए कुछ रखना आपको, ये मैडम म्यूजिक का पहला लाइनिंग क्लियर। अब हम सीखते हैं म्यूजिक और सेकंड लाइनिंग है उसको सीखते हैं। तो सेकंड म्यूजिक लाइनिंग आपको सी शार्प से शुरुआत करना है, आपको एक ही लाइनिंग को एक ही जैसा तीन बार प्ले करना है सेकंड लाइनिंग को। तो देखिए सेकंड लाइनिंग कुछ रफ सा, और दो बार, इस बार लास्ट। हम सीखते हैं इसका आगे का जो आलाप का लाइनिंग है उसको सीखते हैं। तो आलाप का जो एक ही लाइनिंग को एक ही जैसा दो बार लेना है। तो आलाप का पहला लाइनिंग को देखिए इस तरफ से, इसी लाइन को और एक बार, क्लियर। हम सीखते हैं इसका आगे का जो म्यूजिक लाइनिंग है उसको सीखते हैं। तो इसका आगे का जो म्यूजिक लाइनिंग है फ्लूट म्यूजिक लाइनिंग है, आपको फ्लूट म्यूजिक लाइनिंग को एक ही लाइनिंग को एक ही जैसा दो बार लेना है। तो देखिए फ्लूट म्यूजिक का पहला भाग को देखिए, इसी लाइनिंग को और एक बार लेना है। इस बार सोलो मोशन देखिए थोड़ा, हम सीखते हैं इस म्यूजिक का जो लास्ट म्यूजिक लाइनिंग है स्ट्रिंग का उसको सीखते हैं। तो लास्ट म्यूजिक लाइनिंग आपको स्ट्रिंग का कुछ रफ लेना है, ये बड़ा मुगरे के आगे का जो जितना भी लाइनिंग था मैंने सारे लाइनिंग को आप लोगों को एकदम आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। तो अब हम सीखेंगे इस गाने का जो मुगरे लाइनिंग है उसको सीखेंगे। तो मुगरे का जो पहला लाइनिंग है देखिए आपको कुछ रफ लेना है, तो मुखरे का पहला लाइन को हम और एक बार देखेंगे एकदम स्लो मोशन में। तो आपको कुछ रफ सुनना है देखिए, उसके बाद में क्लियर। तो मेरा मुखरे का पहला लाइन क्लियर। अब हम सीखते हैं जो मुखरे का जो सेकंड लाइनिंग है उसको सीखते हैं। तो सेकंड लाइनिंग कुछ रफ सुनना है, मुखरे का सेकंड लाइनिंग भी क्लियर। अब हम सीखते हैं मुखरे जो थर्ड नंबर लाइनिंग है उसको सीखते हैं। तो मुखरे जो थर्ड नंबर लाइनिंग आपको सेकंड लाइनिंग से थोड़ा सा अलग लेना है। तो कुछ रफ से देखिए थर्ड नंबर लाइन को, तो आपको वापस से मुखरे का सेकंड और थर्ड नंबर लाइन को और एक बार लेना है। तो इस बार मैं आपको फोर्थ फिंगर बता देता हूं। तो कुछ रफ से देखिए, इस बार थर्ड देखिए, ये हमारा गाने का मुखरे लाइनिंग एकदम क्लियर। तो मैंने मुखरे लाइनिंग को भी मैंने एकदम आसान तरीके से समझा दिया है आप लोगों को। तो अब हम सीखेंगे इसका आगे का जो म्यूजिक लाइनिंग है और जो अंतर लाइनिंग उसको सीखेंगे। तो पहले म्यूजिक लाइनिंग को और अंतर लाइनिंग को पहले हम क्लियर कर लेंगे, उसके बाद में एकदम आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप तोड़ तोड़ कर सीखेंगे। तो पहले आइए कुछ स्टेप से क्लियर कर लेते हैं।
सीखते हैं इस म्यूजिक लर्निंग को और अंतरा लर्निंग को। तो पहले जो म्यूजिक लर्निंग है उसको सीखते हैं। तो म्यूजिक का जो पहला लर्निंग है, देखिए आपको कुलट का लेना है लर्निंग को, तो कुछ ऐप्स लेना है म्यूजिक लर्निंग, देखिए सिर्फ एक दो तीन, आपको सिर्फ तीन के ग्रुप क्लियर करना है पहला लर्निंग को इस स्टेप से। उसके बाद में आपको एफ शार्प माइनर कॉर्ड लेना है और आपको एफ शार्प माइनर कॉर्ड को टोटल आठ बार प्ले करना है। देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो दोनों लाइन को एक साथ में देखिए, म्यूजिक लाइनिंग को और जो कॉर्ड लाइनिंग दोनों को एक साथ देखिए। तो पहले म्यूजिक लाइनिंग देखिए, इस बार कॉर्ड लाइन एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, क्लियर। अब सीखते हैं जो सेकंड म्यूजिक लाइनिंग है उसको देखते हैं। तो सेकंड कुछ तरफ से, सेकंड में सिर्फ एक दो तीन, आपको सिर्फ तीन की ग्रुप लेना है सबसे। वापस से आपको एफ शार्प माइनर कॉर्ड लेना है सबसे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, वापस से आपको आठ भी लेना है। तो आपको लास्ट में स्टेप्स लेना है, लास्ट में आपको वापस से पहला वाला फ्लूट म्यूजिक लेना है सबसे, क्लियर। तो इन तीनों लाइन को मैं एक बार आपको एक साथ में समझा देता हूँ। तो पहले पहला देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, इसके बाद सेकेंड वापस से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, वापस से पहला, क्लियर। अब सीखते हैं इसका आगे की जो स्ट्रिंग म्यूजिक लर्निंग है उसको, देखिए। तो स्ट्रिंग म्यूजिक का स्टेप्स लेना है आपको, देखिए इसके बाद में वापस से, इसके बाद में क्लियर। अब हम सीखेंगे इस गाने का जो अंतरा लाइनिंग है उसको सीखेंगे। तो अंतरा का जो लाइनिंग है आप लोग एकदम आसान तरीके से निकाल पाएंगे, एकदम इजी लाइनिंग है। तो अंतरा का जो पहला लाइनिंग देखिए, आपको कुछ रेप सुनना है, इसके बाद सेकंड देखिए, तो इसके बाद में हम सुने होंगे थोड़ा सा आप लोग बैकग्राउंड में फ्लूट का म्यूजिक लाइनिंग लेना है सबसे। तो इस फ्लूट लाइन को आपको वन फिंगर में मैं आपको बता नहीं सकता, इसलिए इस फ्लूट लाइन को आपको फोर फिंगर में प्ले करना है। कुछ स्टेप से देखिए, उसके बाद में क्लियर स्टेप से। इस बार आपको वापस से अंतरा का पहला और सेकंड लाइन लेना है, लेकिन इस बार आपको जो फ्लूट म्यूजिक लाइनिंग आपको चेंज कर लेना है, सिर्फ फ्लूट म्यूजिक लाइनिंग को ही चेंज कर लेना है। तो देखिए और एक बार अंतरा का पहला और सेकंड लाइन को आपको सिर्फ फ्लूट म्यूजिक चेंज करना है। तो पहले पहला देखिए, इस बार सेकंड देखिए, तो मैंने बताया था सिर्फ इस बार आपको फ्लूट का म्यूजिक लाइनिंग चेंज करना है। तो आपको कुछ स्टेप्स लेना है इस बार, एक बार फोर्थ फिंगर देखिए। तो अब हम सीखते हैं अंतरा का जो थर्ड नंबर लाइनिंग और चौथा नंबर लाइनिंग जो उसको सीखते हैं। तो पहले अंतरा का थर्ड नंबर लाइनिंग देखिए, कुछ स्टेप्स लेना है, तो चौथा देखिए, तो दोनों लाइन को और एक बार देखिए एक साथ में। तो पहले थर्ड देखिए, तो चौथा, तो वापस से आपको कौन सा लेना है आप लोग आई होप समझ गए होंगे। तो हम सीखते हैं इसका आगे का जो म्यूजिक लाइनिंग है, जो लास्ट म्यूजिक लाइनिंग है उसको सीखते हैं। तो पहले जो लास्ट म्यूजिक लाइनिंग उसको हम पहले क्लियर कर लेंगे, उसके बाद में एकदम आसान तरीके स्टेप बाय स्टेप तोड़ तोड़ कर सीखेंगे। तो पहले आइए कुछ स्टेप से क्लियर कर लेते हैं। लास्ट म्यूजिक लाइनिंग को एकदम आसान तरीके से, तो पहला जो म्यूजिक लाइनिंग लेना है आपको स्ट्रिंग लेना है, तो कुछ स्टेप्स लेना है देखिए, उसके आगे लेना कुछ स्टेप्स है, इसके आगे, उसके बाद में। तो इस लाइन को मैं एक बार आपको फोर फाइव बता देता हूं, तो आप लोगों को सीखने में एकदम आसानी हो जाएगा। तो पहले कुछ स्टेप्स लेना है, उसके आगे, इसके आगे, इसके बाद। अब हम सीखते हैं इसका आगे की जो लाइनिंग है उसको सीखते हैं म्यूजिक लाइनिंग। तो इसका आगे म्यूजिक लाइन कुछ रफ से, इसके बाद में, इसके बाद में आपको फुलेट का म्यूजिक लाइन को लेना है। तो फुलेट म्यूजिक लाइन कुछ रफ से,
तो फ्लैट म्यूजिक लाइन को इसी लाइन को आपको और एक बुलाना है सबसे। तो ये बड़ा म्यूजिक लाइनिंग एकदम क्लियर। इस अंतरालन को यहाँ पे और एक बार आपको प्ले कर लेना है। तो मैं फिलहाल आपको एक ही बार बता रहा हूँ क्योंकि मेरा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, मैं थोड़ा आपको शॉर्ट करके ही बता दिया है। तो अगर आपको कोई लाइन नहीं समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा आगे पीछे देख लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो इस टाइप से रिलेटिव इस चैनल में मैं हरदम वीडियो डालता रहता हूँ। तो अगर आप लोग को इस चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।